मुंबई में पहली बार इलेक्ट्रिक कार रैली जो है होने जा रही है। मेरे पीछे आप गाड़ियां देख सकते हैं, 30 गाड़ियां एक के बाद एक यहां से निकल रही हैं। जगुआर उसमें है, ह्यूंडई है, टाटा है और एमजी है, ऐसी यहां पे वॉल्वो गाड़ी जा रही है, ऐसी कई सारी यहां पे गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी कार है। और मुंबई में ये एक नई पहल के तौर पर हो सकती है। इसका जो इनॉग्रेशन था, फिलहाल अभी पर्यावरण मंत्री जो हैं आदित्य ठाकरे जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, फ्लैग ऑफ किया और वो खुद टेस्ला कार में, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, उस कार में वो बैठ के गए। यहाँ पे दृश्य आप देख सकते हैं, एक के बाद एक जो है गाड़ियाँ जा रही हैं ऐसी। अब यहाँ से महालक्ष्मी रेस कोर्स से निकल के वो पूरे मुंबई का जो लंग्स है, मुंबई में पूरी घूमेंगी, उसके साथ बांद्रा, अंधेरी, संजय गांधी नेशनल पार्क, आर ए फॉरेस्ट, गोरेगांव का अदानी, ऐसे जितनी भी इलाके हैं मुंबई के मेन मेन, वहाँ से एक कार गुजरती हुई जाएंगी। इनके जो रेंज है 400 किलोमीटर से ज़्यादा है मोस्ट ऑफ द कार्स के, जिस वजह से ये जो गाड़ियाँ हैं वो इस तरह से जाएंगी और पूरे मुंबई घूमेंगी। इनका इस जो रैली है उसके पीछे एक कारण कुछ ये है कि पर्यावरण के तौर पर जो जागरूकता है वो बढ़नी चाहिए और इलेक्ट्रिक कार्स जो मुंबई करों को है उन्हें यूज़ करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक प्लान्स है, यही है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आज रैली ऑटो कार के साथ, अडानी इलेक्ट्रिक सिटी के साथ हम कर रहे हैं। ये मुंबई में शायद पहली रैली है, देश में पहली रैली है जो इतनी बड़ी हो रही है। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, इस रैली के साथ अवेयरनेस तो बढ़ेगा ही, लेकिन मेरी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक पर जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और अफोर्डेबल होती जाए, अवेलेबिलिटी उनकी बढ़ती जाए, वैरायटी बढ़ती जाए, क्योंकि अगले 2-3 साल में अगर आप देखो तो ये रेवोल्यूशन हमारे देश में आ चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक गांव में जा सकते हैं। इसकी अगर आप देखें तो फ्यूल जो प्राइसेस जो बढ़ रही है उसके खिलाफ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक अच्छा सुझाव है। जी, कुछ दिक्कतें देखी गई लोगों में, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट्स की दिक्कतें हैं या रेसिडेंशियल? बिल्कुल, जो दिक्कतें बढ़ रही है चार्जिंग पॉइंट्स की, उसका यही अर्थ लगाते हैं हम कि डिमांड गाड़ियों का बढ़ रहा है। चार्जिंग पॉइंट्स जो सोसाइटीज़ में लग सकते हैं, होटल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, पब्लिक पार्किंग प्लेसेस में, इसके लिए हमने ईवी पॉलिसी लाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स के लिए भी, चार्जिंग पॉइंट्स के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने इंसेंटिव्स दिए है और हमें यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब गाड़ियाँ लेंगे ऑटोमेटिकली ये चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।